हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लोकेशन का नहीं पता है। तो अभी जस्ट उठा हूँ, मतलब 7 o'clock हो रहा रहेगा। हाँ, 7 हो रहा है। तो बस जहाँ सोया था वहाँ से उठा हूँ। पेट्रोल पंप पे था, मैं जगह मिली नहीं थी। एक सर्जरी के वहाँ मैं सो गया था ऐसे ही, मतलब टेंट लगा के टेंट में बैठा हूँ। बस उठा हूँ जस्ट अभी। तो थोड़ा सा मुँह वगैरह धोते, फ्रेश वगैरह होते और निकलते आगे की ओर। कुछ ऐसे सोए थे हम ये ट्री के नीचे रात को। और ये हाईवे है ऐसा, और इधर ये गैरेज वगैरह। सामने देखो सनराइज हो रहा है, यहीं सोए थे हम। बस करते पैकअप। तो भाई, इन सर जी से हमें लिफ्ट मिली थी और ये भी इनके साथ ही है। तो थैंक यू सो मच, लिफ्ट क्या, सॉरी, रहने के लिए मिला था यहाँ पे रात को। मतलब सर जी यहाँ सो रहे थे तो मैंने पूछा सर यहाँ सो जाऊँ क्या, सर ने बोला सो जाओ। तो हम सो गए थे, बहुत अच्छे से नींद हो गई। अभी चलते आगे की जर्नी कंटिन्यू करते और सनराइज़ जो है वो भी दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। फिर चलते हैं, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा अपना कार्यक्रम जल्दी स्टार्ट किया है। कार्यक्रम मतलब लिफ्ट मांगना। अभी टाइम हो रहा है 7:23, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लिफ्ट मांगना। आज मैं सोच रहा हूँ अगर डायरेक्ट कन्याकुमारी का लिफ्ट मिल जाए तो बड़ा सही रहेगा। क्योंकि मेरे को पता है कल जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया ना, एकदम से मैं थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं, बाद में सॉल्व हो गया था। क्योंकि मेरे को पेट्रोल पंप पे जगह नहीं मिला, जहाँ पे तो हर कोई दे देता है। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। तो ठीक है, सर जी ने हमें बोल दिया कि यहाँ सो जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैं सो गया, अभी आगे की लिफ्ट मांगते हैं। और यहाँ पे सीन क्या है पता है, जो जिस ट्रक में मैं कल आया था ना, वो उनके अंकल तमिलनाडु के थे, ठीक है। वो बोले कि तमिल पर्सन लिफ्ट नहीं देंगे, जो भी हिंदी वाला रहेगा वही लिफ्ट देगा। वो जबकि खुद तमिलनाडु के थे और उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आता है, उन्होंने बोला कि तमिल पर्सन लिफ्ट नहीं देंगे। तो आज की पहली लिफ्ट 7:42, मतलब 20 मिनट्स में सर जी ने लिफ्ट दी। क्या नाम है सर? नाम सुधाकर नाम है। सर ने लिफ्ट दिए ट्रक में, सर जाएंगे कोयम्बतूर तक। तो हमने कहा हमें भी ड्रॉप कर देना। तो चल रहे सर के साथ आगे की जर्नी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये सुधाकर सर जी है और ये इनकी ट्रक है। सो दिस इज लिफ्ट नंबर 35, ओके। तो वही भैया के साथ तक का, यहीं तक का साथ था। वो जाने तो कोयम्बतूर वाले थे, लेकिन हमको मदुरई होके जाना है। कोयम्बतूर से जाएंगे तो 200 किलोमीटर्स का लंबा डिस्टेंस पड़ेगा। तो वो रूट से तो नहीं जा सकते थे, तो हमने कहा चलो भैया हमें यही ड्रॉप कर दो, यहाँ से दूसरी लिफ्ट ले लेंगे। तो ये भी अच्छी लिफ्ट थी, लगभग 15 किलोमीटर्स की लिफ्ट थी। अनदर लिफ्ट, लिफ्ट नंबर 36 भैया ने लिफ्ट दिए, चलते आगे तक। 4 किलोमीटर्स का लिफ्ट था, मतलब यहाँ पे रूट डाइवर्जन हो जाता है। सीधा जाते तो चेन्नई, राइट जाते तो मदुरई, तो वो चेन्नई साइड जाते थे भैया। तो हमने कहा इधर ही ड्रॉप कर दो, हमें तो मदुरई जाना है। फिर भी हम बाईपास पे पहुंच गए ना डायरेक्टली, अच्छा हो गया। चलो बहुत तगड़ी गर्मी है भाई, कहाँ मैं बर्फ में था, कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहा हूँ, ठंडी है एकदम, पसीना छूट रहा है ऐसी, टी शर्ट गीला हो गया। तो लिफ्ट तो मिल नहीं रही है, पैदल पैदल हम जा रहे थे। एक भैया बोलते वो पॉइंट है वहाँ से गाड़ियाँ मिलेगी। मैंने कहा अरे गाड़ी लेना होता तो मैं कब का ले चुका होता, लिफ्ट लेके ही जाना है। तो बोलता है लिफ्ट नहीं मिलेगी, इनका नहीं मिलेगी तो वॉक भी पैदल तो चल ही रहे, चलते रहेंगे और क्या। तो जैसे ही चल रहे थे तो हमें मिला, सड़क पे गिरा हुआ था इंडियन फ्लैग, तो हमने उठा लिया, ठीक है। ये अब हमारे बैग पे लगा देंगे। बजे पिछले 1.5 घंटे से लिफ्ट नहीं मिल रही है, 1.5 घंटे से पैदल ही चल रहा हूँ, 1 घंटे से काफ़ी हद तक तो क्रॉस कर दिया है।
कभी लिफ्ट नहीं मिल रही है, तो मैंने कहा कुछ इंसिडेंट तो शेयर करूँ। अब जब अभी जस्ट रिसेंटली एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं ऐसे ही चल रहा था, ठीक है, एक बाइक वाला आगे जाके रुका, मेरे को बुलाया, मैंने कहा यस। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आगे तक जा रहे हो क्या? तो बोलते हैं हाँ, ड्रॉप कर दूंगा लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो। तो मैंने कहा पैसे नहीं है मेरे पास। तो बोलते हैं फिर नहीं, फिर मैं जा रहा हूँ। तो चला गया फिर वो। फाइनली गॉट दी अनदर लिफ्ट, लिफ्ट नंबर 37। सर जी ने लिफ्ट दिया। सर क्या नाम है आपका? नेम काम नाम है सर। सर जी आगे तक जाने वाले, सर जी ने हमारे लिए रोकी ट्रक, तो सर जी के साथ चलते। देखो पसीना पसीना हो गया पूरा मेरे को। बहुत सही हो रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जैसे जैसे गाड़ी भी चल रही है ना, साथ में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और उस्ताद जी भी आराम कर रहे हैं, चला रहे सर जी भी गाड़ी। अंकल जी बहुत सही थे यार, मदुरई ड्रॉप कर दिया, मतलब 250 किलोमीटर हमने कवर कर दिया। अभी कन्याकुमारी यहाँ से है, कन्याकुमारी यहाँ से है 220 या 30 ऐसा कुछ है। तो ये रोड जो एक रोड इधर है वो मदुरई जाता है और इधर कन्याकुमारी, तो उन्होंने हमें बाईपास पे छोड़ दिया। मैंने कहा यहीं छोड़ दो अंदर जाके, तो मेरे को लिफ्ट मिलेगा नहीं, तो बस चलते कन्याकुमारी। सो क्लोज आ, बहुत जल्दी कवर हो गया आज। चलो आज मैं जल्दी निकला था ना इसलिए। यहाँ पे थोड़े व्हीकल्स कम है, मतलब गाड़ियाँ बहुत कम जा रही है। चलो जब मिलेगी तब जाएंगे। और गॉट दी अनदर लिफ्ट, लिफ्ट नंबर 38। भैया ने लिफ्ट दिया, क्या नाम है भैया? नेम अन्नादास जो भी नाम था, मेरे को नहीं समझ आया लेकिन भैया ने आपको बता दिया। तो भैया से लिफ्ट मिली है लिफ्ट नंबर 38। भैया टोल गेट तक जाएंगे, तो हमने बोला वहाँ तक छोड़ दो, मे भी वहाँ से हमको कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि अभी यहाँ रेस्टोरेंट भी नहीं दिख रहे मेरे को, मतलब ढाबाज भी नहीं है, तो पानी भी ख़त्म हो गया है और पसीना आप देख ही रहे हो। तो बस आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सर जी ने लिफ्ट दी है, क्या नाम है सर जी? मोहम्मद रफीक नाम है सर जी का। सर जी जाएंगे त्रिंगन वैली, यहाँ से 150 किलोमीटर। बस ने लिफ्ट ली है, तो ये मत सोचो कि बस में क्यों लिए, लिफ्ट मिली है बस लिफ्ट पे जा रहा हूँ। तो पहुँचते और जर्नी दिखाता हूँ आपको। सर जी ये बस नहीं लेके आए हैं, तो पहुँचाने जा रहे हैं, ऐसा सीन है। तो बस सर के साथ हमने भी, ठीक है। दिस इज लिफ्ट नंबर 39, ठीक है। सर जी इंदौर से बस लेके आ रहे हैं, 3 दिन हो गए सर को भी बस में सफ़र करते, एकदम नई बस है लेके जा रहे हैं आगे। तो हमने हमको लिफ्ट मिल गई, तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छा हो गया, ये स्कूल बस में जा रहे हैं। अभी का सीन ऐसा है कि हालत तो देख ही रहे हो आप, उस्ताद जी की गाड़ी पीछे खड़ी है, उस्ताद जी यहीं सोने वाले। तो अभी मैं दूसरी लिफ्ट मांग रहा हूँ। तो यहाँ से कन्याकुमारी रह गया 117 किलोमीटर्स। हमने सोचा था आज हो जाएगा, लेकिन मेरे को अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही, क्योंकि लिफ्ट ही नहीं मिल रही। पिछले 1 घंटे से खड़े होकर मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ, कोई लिफ्ट ही नहीं मिल रही। इस रोड पर ना ट्रक आते ज़्यादा, ना होटल्स है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल जैसा रूट है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो देखते अगर लिफ्ट मिल गया तो निकल जाएंगे, नहीं मिला तो फिर देखेंगे क्या करना है।
तो हम जब से आए तब से अभी तक मेरे को लिफ्ट तो नहीं मिली है। तो अभी हमने डिसाइड किया कि मैं उस्ताद जी भी कार में सो गाड़ी में बस में सो रहे हैं, तो मैं भी सो जाता हूँ बस में। ठीक है, तो मैं लास्ट सीट पे सो रहा हूँ, उस्ताद जी फर्स्ट सीट पे सो रहे थे। हम दोनों सो जाते हैं बस, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं। तो मिलेंगे कल नए लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉग, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अ लॉट। और अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करके ज़रूर जाना। डू शेयर विथ अदर्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टाइम। वेलकम टू कन्याकुमारी।